सागर पांडे आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक 14/9/2020 नगर भवन जामताड़ा दुलाडी में हिंदी दिवस मनाया गया। जिले के सभी पत्रकार बंधुगण मौजूद थे, जिसमें कि जामताड़ा जिले के नए SP साहब दीपक कुमार सिन्हा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा चुनने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को महत्व देने और हिंदी को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। और उसके साथ SP साहब ने यह भी कहा कि जामताड़ा जिला पूरे भारत में साइबर क्राइम के लेकर बदनाम है। मैं अथक प्रयास करूँगा कि इस बदनामी को जामताड़ा जिले से मुक्त कर दूँ। उसने छोड़ दिया है और सही रास्ते पे वो आ गए हैं। तो देखिए, सुधरने का मौका तो सबको दिया जाता है और सुधरने का मौका दिया जाएगा। अगर फिर उसमें वो अपने आप को इंडल्ज करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए परेशानी का सबब होगा। हमारी पॉलिसी है, हम इसमें ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई 100 अपराधी भले छूट जाए लेकिन कोई निरपराध व्यक्ति जेल नहीं। ये जो है ना, वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली कानून का। तो इस पर हम फोकस करेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे। जी धन्यवाद सर। विकसित करना चाहते हैं और हिंदी को अगर हम चाहते हैं कि ये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का एक आधार हो, तो हमें अपनी पुरानी मानसिकता से आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। और हम अपने घर से शुरुआत अगर करते हैं तो हिंदी को हम प्रमुखता देंगे तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास संभव है। अगर हम शुरुआती दौर पे ये देखना शुरू करेंगे कि भाई अपने बच्चों को हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल में ही, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना शुरू करें, तो फिर क्या है कि बच्चे हिंदी को भूलना शुरू कर देंगे। और आज के लगभग विकसित घरों की यही स्थिति है। सर, आप आज पदभार ग्रहण जामताड़ा में कर रहे हैं, लॉ ऑर्डर किस तरह से देखते हैं जामताड़ा के लिए, लॉ ऑर्डर की व्यवस्था करने के लिए? देखिए, जहाँ तक हमें जानकारी है, ये बिल्कुल ही जिला शांत जिला है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और मददगार हैं एक दूसरे के। लेकिन फिर भी हमें जो कुछ संज्ञान में आया है कि इसके बावजूद भी जो पुलिस और पब्लिक के बीच में कुछ दूरी बन गई है या बन जाती है किसी भी कारणवश, क्योंकि दो बातें आती हैं संज्ञान में। एक तो पुलिस वैसे जगहों में, पुलिस के पास वैसे ही लोग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ित होते हैं। और अगर उसका सम्मान या उसका पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है तो उसमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। सर, एक बात ये भी है, नहीं तो सवाल है कि ये भावनाओं को कैसे समाप्त किया जाए और इसको कैसे, मतलब ये भावना को याद दिलाना कि पुलिस पब्लिक की विरोधी नहीं बल्कि उसकी समर्थक और उसके दुख दर्द को दूर करने वाली है, और इसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। दूसरा जो यहाँ का बेसिक है वो आपको पता है कि पूरे भारत में अगर ये शहर बदनाम है तो साइबर क्राइम को लेकर, इसमें यहाँ के पब्लिक की भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। और निश्चित रूप से हम आपकी मदद के माध्यम से ये जो काला धब्बा इस शहर का लगा है पूरे हिंदुस्तान में, इसको हम दूर करने का। सबसे बड़ी बात है सर, जो साइबर क्राइम करके छूट के आए हैं वो छोड़ने के राह पर पकड़े हुए हैं।